बस आज बातें कम खाना ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। बस ओनम है, फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं और मुझे खाने पे इनविटेशन है, इसलिए मैं सिर्फ आज खाने वाला हूँ। बहुत सारा खाना है वहाँ और वो इंतज़ार कर रहा है मेरा और आपका भी। तो चलिए पूछते हैं कि खाने में क्या है। Thank you for the invitation. Thank you very much. Sir, actually, it's a traditional cultural festival, so we need you also to wear the mund. Oh, so I can't go in without traditional costumes? Yeah. No, we are all a biryani. I know. But you know, the problem is that I don't have any. Mere paas to hai nahi. Don't worry, sir. We have covered you. Achha? We got the mund for you. This is beautiful. चलो तो मैं ये सब पहन लेता हूँ और फिर, क्योंकि भूख बहुत लगी है, तो बातें करते हैं कम और मनाते हैं ओणम। लेट्स गो एंड मीट अ फ्यू पीपल एंड देन खाते हैं। ओके, चलो मिलते हैं। हाउ एम आई लुकिंग? Absolutely. अच्छा दिख रहा हूँ मैं, पक्का मलयाली दिख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है ये, यू नो ऑल द वुमेन ओवर हियर, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द ट्रेडिशनल साड़ीज। आई वांट टू टॉक टू देम, मलयालम में बात करना चाहता हूँ, उनको पूछना चाहता हूँ कि हाउ आर यू, कैसा है, कैसे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछना चाहता हूँ कि खाने में क्या है। तो यू फर्स्ट टेल मी, नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे बोलते हैं मलयालम में? फर्स्ट, ओके, यू कैन आस्क सुगमानो। सुगमानो, एंड दैट इज वन थिंग यू कैन आस्क फॉर हाउ आर यू। ओके, देन खाने में क्या है? इन कड़िकान, इन कड़िकान, इन कैन, इन कड़िकान, इंदो, इंदो, ओंडर, ओंडर, इन कड़िकान, इन, ट्राई करते हैं। ओके, चलो, फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज कैसे? सुगमानो, सुगमानो। ओके, कम, लेट्स गो। So the festivities are about to begin, सब शुरू हो रहे हैं अभी, ये दीपम से शुरू हुआ और मैं कोशिश कर रहा हूँ मलयालम में बात करने की, इसलिए मैं सुगमानो, सुगमानो, करेक्ट, इज दैट करेक्ट, बराबर बोला मैं? बराबर बोला, राइट राइट, ओके। और भी पूछना चाहता था मैं कि आज, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ खाने के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि खाने में क्या है, लेकिन खाने में क्या है मैं मलयालम में नहीं, खाने में क्या है मलयालम में कैसे बोलते हैं? खाने में क्या है? भूख लगी है, भूख लगी है, और जाकर देखते हैं कि ओणम का सद्य में क्या है खाने। आप मुझे बताइए ओणम जो फेस्टिवल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सी, ओणम फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस है कि महाबली, जो माइथोलॉजी में महाबली करके राजा थे, ओके, सो ही, वो जो राजा था वो, आई मीन ही वॉज फ्रॉम असुरगण, ओके, एंड ही वॉज सो पावरफुल, उसको बहुत शक्तिशाली था, एंड ही काइंड ऑफ गॉट ऑल द किंगडम्स लाइक देवलोक एंड एवरीथिंग, सो देवलोक, पाताल लोक, सब कुछ, एवरीबॉडी हियर, सो या दे गॉट टेरिफाइड एंड दे वेंट टू लॉर्ड विष्णु के प्लीज हेल्प अस फ्रॉम महाबली राजा। सो विष्णु सेड आई कैन नॉट, आई मीन किल हिम बिकॉज ही वॉज माई भक्त। सो उसने बोला नहीं, किसी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, मुझे बस मेरा 3 फुट का जमीन ही चाहिए।
देन ही सेड ही अग्रीड कि ठीक है मैं आपको 3 फुट ज़मीन देने के लिए रेडी हूँ. तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपको 3 फुट ज़मीन दूंगा, देन ये वामन जो विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और उन्होंने एकदम जाइगेंटिक हो गया. या भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि आप हर साल आके आपकी प्रजा को देख के फिर आप अपने पाताल लोक चले जा सकते हो. सो ऐसा माना जाता है कि वो हर साल अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं इस दिन ओनम के दिन. सो उनके स्वागत के लिए वी सेलिब्रेट गार्लैंड्स एंड फ्लावर्स. People dress and to show them that we are still prosper. And I believe that there are lots and lots of dishes in the sandhya. Yeah, absolutely. Yeah. Okay. So if lots of dishes are, then let's see where are lots of dishes. खाते हैं इसको. Other stuff coming. Is more stuff coming also. Yeah. Okay. So let's start with this. Yeah. So this is uperi. Okay. Okay. This is the banana. Banana chips. Chips. Okay. Okay. This savory. Is sweet. The banana stuff made with jaggery. Jaggery. So sharkaravarti. Okay. Okay. Then this is kootkari. Kootkari. Okay. That's made from yam and grams. That's avial. Avial. Avial is made of like mixed vegetables. Mixed vegetables and coconut. Coconut. Yeah. Always. Okay. Okay. And this is cabbage. Toran. Bolte. Toran. So cabbage toran. That's made from cabbage and coconut. And coconut. Okay. Okay. Then this is lime pickle. Lime pickle. This is ginger curry. Ginger curry. Yeah. Okay. Okay. And this is called pachadi. Pachadi. Made from curd. Okay. And it's sweet or spicy? It's bit of sour and the sweet. So you can add. Like you can make pachadi from dudhi se banta hai, pineapple se banta hai. If you want sweet, you can make it through pineapple also. Okay. And papadam, rice, and this is dal. No. Yeah, dal. That's parip. You call parip. 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 Okay. And that again is a pachadi. Pachadi of. Okay. But this is khichdi. Okay. This is pachadi. Pachadi. Okay. Okay. The pink color. Pink color is because of the beetroot. Beetroot. Okay. Chalo. Okay. Shall we start? Yep. Sure. Let's start. So first you have to take half papadam. Okay. First take half papadam. Yeah. Add it in the rice. Rice. Okay. Mix it. Up. Yeah. Okay. Then you can taste. Then okay. Then eat directly. Yep. No adding anything else to it. No? Okay. Then you can have each of the stuff a bit. The lemon pickle you eat after every. Yeah, every just to get a different taste each time. This is nice ginger. It's delicious. Yeah, this ginger, tamarind. Yeah, it's nice and spicy, yet gingery. And do we eat this with the rice? Yeah. That's, so I can eat with the rice. You can take one stuff and start eating with the rice. Ke saath, let's start. So I'm starting with the cabbage, which is called the toran. Toran. Correct. No? Starting with the toran. The thing about cabbage, you know. This is cooked beautifully. It's not overcooked. It's perfectly cooked with mustard seeds, and it's got onion, and it's got methi seeds in it also. Very nice. We'll try the pachadi also. The you can try onion. Yeah. Mm. I love avial. You know what I like about the avial is, again, the vegetables are just gently cooked and then coconut is added to it without making a mess out of the vegetables. You see, I'm the only person eating. You should also eat. Yeah, huh? Yeah. And I'm going to take a little bit of this ghee also now. Rice, dal, ghee. And this is the koot curry. Yeah, the koot curry with chana and yam.
पचड़ी खिचड़ी आई विल ऐड द खिचड़ी टू दिस आल्सो That's the whole meal. That's the first part. Now you have to eat rice with sambar. Oh! So that's okay. The second part. I should have left a little rice. This is not it. The rice and sambar to be eaten now. Yeah, thank you. You have to keep some space because uske baad, sambar ke baad aayega ye pulseri. Matlab wo curd se bana. Oh, okay. So, aapko thoda I'll keep the rice. I'll keep the rice also aside a little bit. This is sambar now. Oh, I love sambar. Thank you. Lentils and vegetables. What I never get enough of. I'm getting over here. Chalo. Mmm. It's delicious. I just love it. The meal's got several flavors, several textures, several nutrients. I will shamelessly lick my fingers and eat. This is traditional paisam. Yeah. Thank you, sir. This is called semia paisam. Okay. I'm going to try this now. This is semia paisam. Semia paisam, which is vermicelli, sweetened milk, and I can see chips of coconut in it. Coconut, dry fruits. And ghee. Isme, so, abhi this is the ada paisam, you said, no? Yeah, ada paisam. So it's liquidy, sweet with dry fruit and coconut, and the half the papad that was remaining, now you've got to put in here and you can add banana also. And add banana in it. Oh. Oh, I see. What a concept, man. Then you can find that. It's going to be unbelievable because you got sweet and salty together. I've never eaten this before. This kind of thing. So you've got the paisam, which has got jaggery and sweets and all. And I've crushed a papad into it and half a banana, Kerala banana, small ones. That is delicious. Now there is pulseri, rice with pulseri. More rice with more pulseri. Oh, way of curd. Nice. Mori curry. This is called mori curry. Mori curry. Mori curry. Mori means actually the buttermilk. Oh, okay. So this is like, it's like a, what is it? Dahi curry. Dahi curry. It's like a dahi curry. This will help you kind of like digest the food. Digest the food. And I'm beginning to seriously believe that if Diwali is the festival of light, Onam is the festival of food, boss. Because the sadhya itself, the word itself means feast, doesn't it? Oof. It's delicious. It's delicious. In any case, I'm a big fan of dahi kadhi, which is pretty much what this is, you know? So this sadhya, you had all the things, spicy stuff, then tangy stuff, khatta, meetha. Everything. So everything is there. And I've done quite well, no? Yeah. I've finished the whole plate. Not bad. So for all the people who complain to me saying that I don't eat all the food here, so you have to catch up, huh? मुझे लगा कि सब खत्म हो गया लेकिन और भी कुछ आ रहा है एक मिनट रुक के देखते हैं कि क्या आ रहा है व्हाट इज दैट इसको ट्रेडिशनली यू टेक इट इन हैंड एंड यू डायरेक्टली सो लेट्स डू ट्रेडिशनली नो ऐसे लेट मी बोलो मैं हाथ पर समय लिटिल बिट ओनली हां अगेन दिस इज छास इट हैज जिंजर
Yeah, little bit more is not bad. Yeah, burgers, thank you. I tried having it traditionally, but I'm not used to it. So, आदत नहीं है ना ऐसे, लेकिन मैं ऐसे खाता हूँ. अभी ये. So that's Kunal, the feast we had for you, Sadhya. बहुत मजा आया. If you liked it, you can fold the leaf this way. This way, and keep it. So, जब ये बनाना लीफ ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आई हैव लाइक द मील एंड आई हैव लाइक द मील. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. एंड इफ यू हैव लाइक द मील, अगर आपको अच्छा लगा ये मील तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. सॉरी, डिनर का क्या सीन है? डिनर के लिए पता नहीं डिनर के लिए क्या करूंगा, लेकिन ये इतना अच्छा था खाना, अच्छा मजा आ गया यार, मजा आ गया. नीलेश तो खाएगा ना? यस, आज तो वेज है ना. नीलेश तेरी तो चांदी है बॉस. लेकिन सद्या अकॉर्डिंग टू मी सी फूड का भी हो सकता है, मीट का भी हो सकता है. कौन से रीजन से आते हैं? यू बिलीव इट नो, बिकॉज डिपेंडिंग विच रीजन यू कम फ्रॉम.